नल्ले छपरी बेरोजगार सड़क छाप लोगों को अगर ऐसे बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में डालोगे तो वो बंदा जो है ऐसे ही जाकर के हरकत करेगा। ओ माय गॉड, इस बंदे की आत्मा मुझ में आ गई भाई। रीजन है इसके पीछे, रीजन है क्योंकि भाई साहब ने इतना जबरदस्त मचाया ना भाई कि बस दिमाग में जो है वो सारे के सारे कंटेस्टेंट साइड में हो गए। ये 12वां नंबर वाला बंदा दिमाग में छप के रह गया कि भाई मैं ही छा करके रहूंगा। इस भाई साहब को शायद लगा ना कि अगर 30 सेकंड के अंदर मैं एंटरटेन नहीं किया तो लोग हमें अनफॉलो करके चले जाएंगे। हाँ, और यही चीज जो है ना फुकरा इंसान के साथ भी हुआ। ही वॉज अनस्टॉपेबल कि वो बिना रुके बस दर दर बोले जा रहा था, और उसके बाद उसको डांट भी पड़ी कि आप सवाल सुन नहीं रहे हो, आप सिर्फ जवाब देने के लिए जवाब दे रहे हो, आपके जवाब में कोई मतलब तो है ही नहीं है। एक मिनट, मैं इसमें क्यों घुस रहा हूँ, मैं पुनीत सुपरस्टार की पहले बात करता हूँ कि पुनीत सुपरस्टार जैसे घर के अंदर में घुसा, उसके बाद से भाई साहब ने जो है एक रिएक्शन दिया पूजा भट्ट को, दिया ये वही है ना, ये वही है ना, तो मुझे लगा यार कि हाँ ये एकदम रियल रॉ एकदम सही बंदा है। लेकिन फिर मेरे एकदम होश उड़ गए, मतलब बेसाख्ता बेफाख्ता क्या बोलते हैं उर्दू में, वो सब हो गया मेरा कि भाई साहब अचानक से मतलब बाथरूम के एरिया में थे और वॉश बेसिन के ऊपर से दो उठाए और उठाने के बाद में यार ये टट्टी यहाँ पे नहीं करनी थी भाई, नहीं पूरी इंडिया तुझे देख रही है, वो भी फ्री में है तो और लोग देख रहे हैं, वूट पे तो फिर भी थोड़ा पैसा लगा के लोग देखते थे, अभी क्या है यार ये गलत है। फिर भाई साहब ने उठाया सीधा हैंड वॉश और दे डाला सर पे, मतलब एंटरटेन करवाने का यही एक रूप है इनके पास में कि आप एंटरटेन हो जाओ यही देख करके। तो उसके बाद से मैंने बोला कि भाई साहब को बहुत अच्छा फटकार लगने वाला है, और लिटरली वो फटकार लगी। वो फटकार जब लगी तो उसके बाद समझ में आया ये भाई साहब ने जो बिग बॉस को बोल दिया ए मेरे साथ में ये सब नहीं चलेगा, समझे ना, अपनी औकात में रहो। भाई साहब को देख के अपन को झटका लगा, भाई साहब जो है पता नहीं क्या क्या बोल गए। मैं फुकरा इंसान का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने वाला हूँ क्योंकि ये वही भाई साहब है जो आकर के बताएंगे कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि ये तो कट कर दिया यार, रात के 2 बजे तक मैं देखते बैठ गया यार इस झंडू से स्टार की वजह से, मतलब पुनीत सुपरस्टार की वजह से। ये भाई साहब ने इतना मचाया कि मैं बोला भाई रुक ही नहीं रहा है, हाँ रुकने से याद आया, इसको सलमान खान ने बोल दिया भाई तुम रिपीट मोड पे हो गया खत्म बस अब चुप बैठ दो। मैं कह रहा हूँ ये बंदा अगर पूरा हफ्ता टिक गया वीकेंड के वार में सलमान खान इसकी जो लेगा, और अगर ये उसके बाद भी टिक गया तो सलमान खान बोलेगा मुझे बख्श दो मैं ये शो होस्ट नहीं कर रहा मैं घर जा रहा हूँ, मतलब सलमान खान पागल हो जाएगा, मैं कल रात को पागल हो चुका हूँ इस इंसान को देख करके। तो ये भाई साहब ने मतलब मेरे सामने मतलब उस 2 घंटे के अंदर में 100 बार बोल चुके हैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को निकाल दो इधर से, मेरे को 50 लाख जनता प्यार करती है, इस शो के बारे में बहुत इज्जत है मेरी, और इससे बड़े बड़े शो मेरा इंतजार कर रहे। भाई इंडिया का द बिगेस्ट रियलिटी शो के अंदर में तू बैठा है, इससे बड़ा शो कौन सा तेरा इंतजार कर रहा है मुझे ये बता दे। दूसरी चीज ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरा इसमें क्या फायदा, इसका मेम इसी पे चिपकने वाला है, मेरा इसमें क्या फायदा, मतलब जो हो रहा है वो तो बिग बॉस को टीआरपी मिल रहा है, मैं तो इनको फेमस करने के लिए आया हूँ, मैं इनकी वजह से थोड़ी ना हूँ, ये मेरे को बुलाए भाई, मतलब रेस्टलेस बंदा है ये। और आई एम वेटिंग फॉर टुडे, आज के वो 9 बजे के शो में क्या दिखाने वाले है, क्योंकि 24 घंटे का तो चालू ही है और अपने को पूरा 24 घंटा नहीं देने का है। हाईलाइट्स आएंगे, मैं बताऊंगा जो मेन कांड होंगे, तो आप बताओ आप पुनीत सुपरस्टार के कितने बड़े वाले फैन हो, और फैन किस वजह से हो, कि ये क्या करने वाला है इस, या फिर सच्ची में उसके पागलपंती के फैन के भाई केक थोप डाल, भाई नाले पे लोट ले, भाई कवर में घुस जा, क्या क्या करके सलमान खान इसकी एंट्री सीन पे ऐसा हंसा है ना भाई, मैंने बोला बस दैट्स द ओनली रीजन दैट आई लव सलमान खान एज अ होस्ट, नॉट एज एन एक्टर, एज अ होस्ट। सलमान खान को बिग बॉस में मतलब देखने का एक यही तो मजा है कि भाई साहब एकदम विदाउट फिल्टर रहते, मजा आ जाता है, और कुछ अलग ही लेवल पे इसकी ली है, मतलब हंस के की करके भाई ने पेड़ डाला है। अभी रुको मैं वेट कर रहा हूँ वीकेंड के बार का क्या होने वाला है, व्हाट्स योर टेक प्लीज कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सोच रहा हूँ मस्त रहो, जबरदस्त रहो।